साथ साथ कुछ खाना तो बनता है, और जिस सिटी में घूमने गए वहाँ ही का ही फेमस फूड नहीं खाया तो क्या खाया। और दिल्ली तो वैसे भी खाने के मामलों में इतना फेमस है, चाहे वो दिल्ली के रेस्टोरेंट का खाना हो या स्ट्रीट फूड, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसे कौन सा फूड है जो दिल्ली में आके तो जरूर ट्राई करना चाहिए। दिल्ली वालों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसको खाने के बाद तो दिन ही बन जाता है, छोले भटूरे, स्पाइसी एंड हैवी एंड रिच इन फ्लेवर, चाहे वो स्ट्रीट के हो या रेस्टोरेंट के, सब अच्छे लगते हैं जब छोले भटूरे के साथ लस्सी मिल जाती है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो फिर ये फेमस फूड आपके लिए है। सेकेंड, बटर चिकन, वन ऑफ द बेस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफ दिल्ली। नंबर थ्री पर आता है दिल्ली वालों की जान, मोमोज। दिल्ली वालों का मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स है जो वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल है, जो कि सर्व होता है स्पाइसी रेड चटनी के साथ। दिल्ली आने के बाद ये ट्राई करना तो जरूर बनता है। स्पाइसी ज्यादा हो गया, कुछ मीठा खाने का मन है तो ये तो जरूर खानी बनती है, जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी गोल डिप इन शुगर। और अगर आपको जलेबी ट्राई करनी है तो इन जगहों की जलेबी आप जरूर ट्राई करना, जो कि है बांग्ला स्वीट्स इन सीपी, जलेबी वाला इन चांदनी चौक एंड जलेबी स्टोर ऑफ चांदनी चौक, जहां पर जलेबी ट्राई करना तो बनता है। सब कुछ खा लिया पर कुछ ठंडे के साथ मीठा पीने का मन है तो रबड़ी फालूदा तो ट्राई करना जरूर बनता है। एक मिल्क बेस्ड डिजर्ट है विद फालूदा टाइप ऑफ नूडल्स होते हैं, कई स्वीट शॉप और आइसक्रीम पार्लर्स पे ये अवेलेबल होते हैं, प्लस स्वीट पर भी ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, ये ट्राई करना तो जरूर बनता है। अगर इनमें से आपका कोई फेवरेट फूड है तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।